नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, आज बात करेंगे फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की किताब के बारे में। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसकी बात करेंगे। वो ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो किताब है और स्कूल व्याख्याता के लिए ये, और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र की है। सेकेंड पेपर जो है इसमें खंड ब में 60 अंक यानी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 अंक के, और इसके जो राइटर है वो बी एल रेवाड़ गरिमा रेवाड़ जो मैडम है ये है। इसके बाद इसकी किताब के अंदर की बात करते हैं, तो भी कवर की बात जब अंदर की बात करते हैं तो किताब के अंदर क्या क्या दे रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये स्कूल व्याख्याता की किताब है और ये अपन देख चुके हैं डिटेल इसके बारे में, और ये लगभग 360 रुपये लिख रखे थे। इसके कम से कम आधी रेट जो भी आपके लगभग मार्केट में जाओगे पता चली जाएगी। और इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, विगत स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न देने वाली किताब है ये, फर्स्ट ग्रेड की मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान के जो टॉपिक वाइज बना रखा है बिल्कुल शैक्षिक मनोविज्ञान पहला टॉपिक देख सकते हो। विभिन्न प्रतिपादक दे रखे, बाल विकास कथन संज्ञात्मक बुद्धि परीक्षण दे रखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा दे रखी है, अधिगमकर्ता यानी कुल मिला के लगभग लगभग ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। और सारे टॉपिक लगभग लगभग कितने में है, टोटल टॉपिक दे रखे हैं ये 22 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें लास्ट में महत्वपूर्ण पुस्तकें लेखक दे रखे हैं। लगभग लगभग 280 के लगभग पेज है ये, आप देख सकते हो। तो बहुत ही शानदार किताब है और इसमें आप देख सकते हो 26 मई जो दे रखा है ये, 26 मई 2022 को आरपीएससी ने जो नवीनतम सिलेबस जारी किया था उस सिलेबस के अनुसार इसको बनाया गया है। तो इसमें बहुत ही शानदार बिंदु दे रखे हैं ये, देख रहे हो आप। शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ें दे रखी है। शैक्षिक मनोविज्ञान में कंप्यूटर भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी इसमें डिटेल से दे रखा है ये। शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अभिरुचि, और लास्ट में दे रखा है ये अंतिम तीसरा बिंदु जो दे रखा है ये ICT वाला यानी कंप्यूटर के बारे में दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं हम मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान एक दृष्टि में, तो इसमें विभिन्न प्रतिपादक दे रखे कि किस किस ने, जैसे मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, ये अरस्तु दे रखा है मनोविज्ञान का प्रतिपादक। उसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम मुंट दे रखा था। इस प्रकार से सिस्टमेटिक दे रखा है, मनोविज्ञान को पूरे व्यवस्थित तरीके से दे रखा है ये। उसके बाद हम बात करते हैं आगे विभिन्न प्रतिपादक को दे रखा है, जैसे आप देख सकते हो ये अनुभव का संकुल किसने दिया था, एडगर डेल वगैरह ने। शिक्षण के तीन स्तर किसके है, तो ये मॉरिस। शिक्षण के तीन स्तर दे रखे हैं ये, इस प्रकार से आप देख सकते हो, अनुदेशात्मक शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, मस्तिष्क उज्ज्वलन, यानी बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है। इसके अलावा बाल विकास के महत्वपूर्ण कथन यानी किसने क्या कहा था, तो परिभाषा दे रखी है, परिभाषा भी इसके अंदर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दे रखी है। इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा क्षेत्र में कार्य दे रखा है ये, आत्मा का मनोविज्ञान जो अरस्तु का है, अरस्तु का फोटो तक दे रखा है इसमें। उसके बाद बात करते हैं अपन महत्वपूर्ण कथन दे रखे कि किसने कौन सा क्या कहा था, तो ये RPSC में पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्न यानी प्रश्नों का संग्रह एक ही स्थान पर मिल जाएगा, और फर्स्ट रैंक नाम ही काफी है, आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। ये डायग्राम बना के भी दे रखा है बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा हार्डवेयर, कठोर सॉफ्टवेयर के बारे में अंतिम जो कंप्यूटर वाला टॉपिक है ICT वाला, वो भी बहुत शानदार तरीके से इसमें समझा रखा है ये। आप इसको देख सकते, चित्र के माध्यम से भी समझा रखा है कंप्यूटर वाला, ये देख सकते हो आप किसको क्या कहते हैं, सब नाम वगैरह दे रखे हैं, तो इसको पढ़ने में मजा आएगा। यानी देख कर चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, तो पढ़ने के साथ साथ देख कर भी अपन समझ सकते हैं। तो बहुत ही शानदार बनी हुई किताब है, फर्स्ट रैंक की, नाम ही काफी है। और लास्ट में अंतिम समय में आप देख सकते हो 271 पेज का दे रखा है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख सकते हो आप, कंप्यूटर का सहायक अधिगम किया, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता था, इसमें उपयोग सभी दे रखा था ये, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे। तो बहुत ही शानदार किताब है, यानी इसको खरीद लीजिए आप, पढ़ लीजिए, यानी एक पे भरोसा कीजिए, तो आपको संपूर्ण रणनीति में यानी फर्स्ट ग्रेड में अच्छी रैंक दिलाने वाली। नाम इसका फर्स्ट रैंक है, तो आपको क्यों नहीं रैंक दिलाएगी। तो बहुत ही शानदार किताब है, कैसी लगी आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द सेकंड ग्रेड की मनोविज्ञान का वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपको। कैसी लगी आपको किताब,